विवादों में घिरी और कानूनी लड़ाई में घिरी ज्ञानव्यापी मस्जिद में आज फिर जुमे की नमाज पढ़ी गई है। वहां नमाज के लिए लोग पहुंच चुके हैं। पिछले शुक्रवार की भीड़ को देखते हुए इस बार भी सुरक्षा के सख्त बंदोबस्त किए गए हैं। आज अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने अपील की कि लोग ज्यादा संख्या में यहां ना पहुंचे। अपील में यह भी कहा गया कि वजू खाना बंद है, इसीलिए लोगों को मुश्किल होगी। लोग घर से ही वजू करके आए और पास की मस्जिदों में ही नमाज पढ़ें। तो जुमे की नमाज अब से कुछ ही देर बाद होगी, इसके लिए तमाम इंतजाम प्रशासन ने वहां किए हैं। पिछले शुक्रवार को ध्यान में रखते हुए यहां पर ज्यादा लोग ना जुटे, इसके लिए लोगों को हिदायत ये दी गई है कि या तो अपने घर में नमाज पढ़ें या फिर आसपास की मस्जिदों में ज्ञानवापी मस्जिद ना आए। पिछले शुक्रवार में काफी भीड़ यहां उमड़ी थी। समर श्रीवास्तव मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर, आज क्या इंतजाम है आप दिखा सकते हैं? देखिए, मैं इस वक्त जहां मौजूद हूं, एक गुदौलिया का चौराहा है और यहां पर मैं 3-layered सिक्योरिटी देख पा रहा हूं। आज मीडिया वालों को भी एंट्री रिस्ट्रिक्टेड की गई है और मेरे पीछे अगर आप देखेंगे नेहा तो आपको मैं बैरिकेड्स दिखाऊंगा। यहां पर जो पुलिस की बैरिकेड्स मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर पुलिस के जवान दिखा रहा हूं, और क्योंकि सिचुएशन ना बिगड़े उसके लिए इनको इस तरह के जो जैकेट्स हैं बुलेट प्रूफ वो दिए गए हैं, इनके हाथ में इस तरह के केन्स दिए गए हैं और ठीक पीछे इस तरह के बैरिकेड्स हैं और ज्यादा संख्या में जवान है। और आप अगर सर की तरफ देखेंगे तो हेलमेट, और पीछे जो कैमरामैन नीरज दिखा रहे हैं ये वही रास्ता है नेहा जो काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ जाता है। यहां से कुछ ही कदमों की दूरी पर काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद है। हालांकि वहां पर जो है रेस्ट्रिक्शंस आज पहले के जितने बढ़ाए गए हैं, पहले हम लोगों को अंदर जाने की परमिशन थी पर आज मीडिया को भी पीछे ही रोका गया है, बैरिकेड्स लगाए गए हैं और आम जो जनमानस आप यहां पर अंदर देख पा रही हैं ये वही रेसिडेंट्स हैं, या तो जिनके घर हैं या जो शॉपिंग पर्पसेस से अंदर जा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ढेरों बुलेट प्रूफ जैकेट्स आपको यहाँ पर दिखेंगे, पूरा इंतजाम किया गया है, सड़क के केन्स लिए हुए हैं जिससे सुरक्षा किस पर सेंध न लग पाए, क्योंकि पिछली दफा आपने देखा था कि किस तरह से स्लोगन्स वगैरह भी रेज हुए थे जब सर्वे हो रहा था, उस वक्त भी हुए थे, और इसलिए कि ये सारी चीजें ना हो पाए यहाँ पर इस तरह के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप उधर से अगर आप देखने शुरू करेंगे नेहा पीछे की तरफ से, तो जो पतली गलियां हैं जहां से एक तरह से रास्ते जुड़ते हैं इस पूरे गुदौलिया चौराहे के, वहां पर भी पुलिस की फोर्स को लगाया गया है। ये एक गली मैं दिखा रहा हूँ और ये इधर की तरफ कैमरामैन नीरज पैन कर रहे हैं, ये दूसरी गली है, ये वो दूसरी पतली गली है जो कहीं ना कहीं इन रास्तों को जोड़ती है, तो वहां पर भी फोर्सेस लगाई गई हैं कि कोई गलियों के रास्ते भी निकल कर ना आ पाए। और जो मेन रूट है वो मैंने आपको जिस तरह से दिखाया, ये देखिए पतली गलियां, यही से ये भी एक रास्ता है जो कहीं ना कहीं कनेक्टिव है, कनेक्ट करता है, इसीलिए फोर्सेस यहां भी लगी है। और जो मेन रास्ता है जो मैंने पीछे ने आपको दिखाया वो मेरे पीछे ठीक आपको दिखाई पड़ रहा होगा, वहां पर प्रॉपर बैरिकेड्स लगे हैं और वही मैदागिन की तरफ से जो रास्ता वहां भी रोक लगी है। फिलहाल मस्जिद की तरफ से इंस्ट्रक्शंस क्लियर दिए गए हैं कि नमाज घर पर अदा करें और अगर आप करने आ भी रहे हैं कम संख्या में आए, और वजू की वहां पर व्यवस्था नहीं है, ये उस लेटर में साफ साफ मस्जिद कमेटी द्वारा लिखा गया है, तो उसका देखना है कि आज कितने लोग पालन करते हैं, क्योंकि पिछली बार इस चीज के बाद भी काफी भारी संख्या में नेहा लोग वहां पर उमड़े थे जिसकी वजह से कहीं ना कहीं यूपी पुलिस को आना पड़ा था आगे, और जो जहां जिन रास्तों से वो आए थे उन रास्तों में उनको वापस करना पड़ा था। कुछ लोग उग्र भी हुए थे पर उन्हीं कम्युनिटी के कुछ लोगों ने उस वक्त समझाया बुझाया था जिसके बाद हालात काबू में आया था, पर फिलहाल जो यूपी पुलिस है उसके इंतजाम यहां से पुख्ता नजर आते हैं और ऐसा लगता है कि आज अगर संख्या बढ़ेगी भी तो उसको विद टाइम काबू कर लिया जाएगा।